जहाँ तक ये फेयर जो इंक्रीज़ हुआ है, तो मेरे ख्याल से दिल्ली मेट्रो ने जो फेयर इंक्रीज़ किया है, इसमें आपको फैसिलिटीज़ भी अपग्रेड करनी चाहिए। जो टॉयलेट्स के जो चार्जेस हैं वो आपको डिक्रीज़ करने चाहिए, और वॉशरूम फैसिलिटीज़ हर मेट्रो स्टेशन पर आपको प्रोवाइड करानी चाहिए इनफैक्ट। और जो टोकन्स का जो कलेक्शन जो होता है, जो कार्ड के बेसिस पे तो नॉर्मल है, चलिए आप टाइम सेव करते हैं अपना, लेकिन जो टोकन यूज़र है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप फेयर इंक्रीज़ करते हो तो ये फैसिलिटीज़ भी आपको अपग्रेड करनी चाहिए, और टोकन्स मिलना रिलायबल होना चाहिए। ये एक नहीं कर सकता ऐसे, आप किसी व्यवस्था दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, या बाइक से या ऑटो से आना पड़ेगा, और क्या इतना पैसा तो नहीं खर्च कर सकते। या महीने में दो बार कर दिया शायद फिर भी बढ़ने की उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे मेट्रो से? कहना चाहूँगा सर, आप नहीं कर सकते ऐसे, या तो बाइक से या किसी और से व्यवस्था करनी पड़ेगी, हो सकता है जॉब भी छोड़नी पड़ जाए, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है सर, हमारे किराए बढ़ाए जा रहे हैं मेट्रो से, आपको वैसे आप हमारी काफ़ी पॉकेट मनी पे असर आ रहा है, आप इस चीज़ को आप एक टाइम लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही आप बताइए कि हाँ हम एक साल के अंदर बढ़ाएंगे या दो साल के अंदर बढ़ाएंगे। उसके अंदर एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि उस पर ही आपका किराया बढ़ना चाहिए हर दो महीने में, या आपकी मर्ज़ी अब आप इंक्रीज कर रहे हैं, इस तरीके का कोई इशू नहीं होना चाहिए।